बिदात की कोई तकसीम नहीं, अल्लाह के रसूल ने कुल्लु बिदातिन ज़लाला का हर बिदात गुमराही है, लेकिन एक आदमी जानता है कि ये बिदात है, आलिम है, पढ़ा लिखा है, फिर भी बिदात पर अमल कर रहा है और बिदात की प्रचार कर रहा है, तो ये बहुत बड़ा मुजरिम है और इसके आमाल जो है ज़ाये और बर्बाद हो जाएंगे। ऐसे आदमी को रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम धुतकार देंगे, हौज़े कौसर से भगा देंगे और कहेंगे, जब उन्हें रोका जाएगा तब कुछ लोग कहेंगे कि ये तो हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद कहेंगे कि ये तो मेरे उम्मती हैं, तब अल्लाह तबारक ताला कहेगा इन्नका ला तदरी मा अहदसु बादक, कि आपको पता नहीं है कि आपके आने के बाद दुनिया से इन्होंने आपके दीन में कितनी बिदअतें ईजाद की थी, कितना खुरद बुरद किया था। तो गोया कि वहाँ भी हमारी कोई नेकी काम नहीं आएगी, भगा दिए जाएंगे। लेकिन एक आदमी ऐसा है कि वो बिदात में मुबतला है लेकिन उसे खबर नहीं है, उसे पता नहीं है, वो नहीं जानता है कि ये बिदात है, तो ऐसा आदमी माजूर है लेकिन इस बात का मुकल्लफ है कि वो दीन को दलीलों के साथ पहचाने, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हुज्जतों और नसूस के साथ जाने पहचाने। अल्लाह को पहचानना, अल्लाह के नबी को पहचानना और दीन को पहचानना ये बुनियादी ज़रूरत है हमारी, ये बुनियादी तालीम है। इसमें कोताही अगर हुई तो अल्लाह ताला हिसाब लेगा, लेकिन दीगर जो फ़िक्ही तफसीलात हैं, बारीकियां हैं, वो जाहिर है उलमाए कराम ही जानेंगे, हर आदमी उसका मुकल्लफ नहीं है, लेकिन ये बड़ी बड़ी चीज़ें तो हर किसी को मालूम होनी चाहिए। बिदात पहचानना चाहिए, बिदात कौन कौन सी चीज़ें हैं इतना तो सबको जानना चाहिए, शिर्क इसे पहचानना है, तौहीद क्या है इसे जानना है, दीन को दलीलों के साथ जानना जरूरी है।